हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा फाउंडेशन है रेड कलर का, ये वाइट था, मैं इसको रेड बनाई हूँ। इसके अंदर है ना मैं सुपर रेड कलर डाली हूँ और ज़रा सा ना मैं ब्लैक कलर डाली हूँ तो ये कलर आया है। और मैं है ना मदर्स डे केक बनाने जा रही हूँ तो क्यों ना उसमें हार्ट रहे। अरे भाई, जब माँ की बात आए तो हार्ट तो होना ही चाहिए, वो भी भर भर के। तो मैं बोली ये ला, पहले इसको बना कर रख देती हूँ साइड में, उसके बाद केक स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो ना फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये है, मैं पहले ही बना कर रख ली थी। और उसके बाद है ना मैं क्या स्पेशल बनाई हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहना, कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ। और वो यही है, सीक्रेट मैसेज केक है और मदर्स डे भी है तो इस हिसाब से ये पूरा सूट कर रहा है उसके ऊपर। और इसके लिए ना मैं ये पहले क्राफ्ट कर ली हूँ। आप लोग ये मत समझना कि अरे अब ये तो क्राफ्ट करने लग गए केक की जगह पे, जब केक हम बनाते हैं ना तो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये मैं पहले आप लोगों को डेमो दिखा रही हूँ इसलिए, क्योंकि जब कभी आप लोग को बनाना रहे ना तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और ये जो मैं नीचे वाइट कलर का चिपकाई हूँ उसके नीचे है ना आप लोग है ना कुछ प्लास्टिक वगैरह का, जैसे कि सेलो टेप होता है, वो सब चिपका लेना। नहीं तो क्या रहता है ना कि केक के ऊपर आप रखोगे ना तो ये कागज़ रहता है तो गीला हो जाता है, तो जो लिखे रहेंगे ना वो गड़बड़ हो जाएगा। और ये मेरा है ना चॉकलेट फ्लेवर का केक बनने जा रहा है और मैं इसकी मेजरिंग तो बिल्कुल भी आज नहीं दूंगी, क्योंकि है ना ये केक मैं घर के लिए बना रही हूँ और मदर्स डे के लिए ही मैं ये बना रही हूँ, नहीं तो मुझे ये बनाना ही नहीं था। आज मुझे दूसरा ऑर्डर था लेकिन वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी और ये आज मैं अपलोड कर दी हूँ। मुझे पता चला कि आज मदर्स डे है तो मैं बोली क्यों ना उसके ऊपर केक बनाया जाए, तो उस हिसाब से मेरा ये केक बना है। और इसमें है ना मैं दो लेयर ही यूज़ करी हूँ, वैसे मेरा ये हाफ के जी का बेस था लेकिन मुझे छोटा ही केक बनाना था घर के हिसाब से, तो इसलिए मैं थोड़ा ही यूज़ करी हूँ, बाकी बेस मैं रख दी हूँ। बेस के नीचे मैं गीला पेपर रखी हूँ और उसके ऊपर भी ना मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी। ये सारा मेथड है ना अगर आप केक बनाएंगे ना तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ तो आप नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसा मैं सेम प्रोसीजर से बना रही हूँ आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। आप इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा मोटा पतला ये सब कर सकते हैं, चॉकलेट कम डालेंगे या इससे ज़्यादा डालेंगे, लेकिन प्रोसीजर तो आपको सेम ही फॉलो करना पड़ेगा। और ये मैं गनाश अच्छे से डाली हूँ, आप लोग भी है ना जब भी जो फ्लेवर का बनाए ना तो क्रश वगैरह का यूज़ करना रहे तो वो अच्छे से डालें, या चॉकलेट फ्लेवर बनाए तो गनाश वगैरह अच्छे से डालें, क्योंकि जब केक बना रहे हैं तो भाई टेस्ट में तो बेस्ट होना ही चाहिए। तो चाहे घर का हो या बाहर का हो, जब भी आप बनाएं तो अच्छा ही बना कर दें, इससे क्या रहेगा कि आपके कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे। और ये मैं अपने केक की है ना क्रम कोट कर रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे इसकी फाइनल आइसिंग पूरा वाइट चाहिए था, वाइट नहीं मैं बनाई ऑफ वाइट बनाई हूँ। अगर आपको अपना क्रीम ऑफ वाइट करना है तो उसमें ज़रा सा है ना आप लेमन येलो कलर डाल देंगे ना तो वो हो जाएगा, बूंद नहीं डालना है, जैसे कि टूथपिक से लेकर डाल दो, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो अलग कलर हो जाएगा। और क्रम कोट करने के बाद है ना मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर दी हूँ। अगर आप लोग नए नए हैं ना तो इस टाइम पर है ना आप थोड़े टाइम के लिए फ्रीजर में रख दें या फ्रिज में रख दें, उसके बाद दोबारा इस पर आइसिंग करें, उससे क्या रहेगा ना वो केक सेट हो जाएगा अच्छे से। तो जब आप फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो नीचे वाला ऊपर नहीं होगा, नहीं तो कभी कभी है ना नीचे से ऊपर आ जाता है, जैसा कि इसमें मेरे साथ हुआ, आप भी आप लोग देख ही रहे होंगे, इसलिए मैं ये शेयर करी हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको है ना थोड़ा सा क्रीम लेकर और लगा देना है, फिर इसकी आइसिंग करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन आप फ्रिज में रख दे तो ज़्यादा बेस्ट है, ये सब दिक्कत नहीं आएगी। और ऊपर ये देखिए थोड़ा सा क्रम्स आ गया था बाहर, तो मैं उसको नोक से निकाल दी हूँ, क्योंकि मुझे पूरा प्लेन ही चाहिए था तो मैं बोली थोड़ा गड़बड़ है तो ला उसको सही कर दूँ। घर के लिए है तो क्या हुआ, लेकिन ये सारे केक जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए है ना जो भी गड़बड़ था मैं अपने हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करी हूँ। और ये इसकी फाइनल आइसिंग हो गई है और इसके बाद है ना कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा जो हार्ट बनाई थी वो लगाना था और वो पेपर लगाना था। और इसी में मेरे से गड़बड़ हुई इसलिए मैं आगे आप लोगों को शुरू में बोल दी हूँ कि आप लोग है ना उसके नीचे सेलो टेप वगैरह चिपका देना, उससे क्या रहेगा ना कि नीचे से वो गीला नहीं होगा पेपर, तो आपका ना जो लिखा हुआ है ना वो एकदम अच्छा परफेक्ट रहेगा। और जो कार्टून आप ये देख रहे हैं ना मेरी बेटी के बुक में से मैं निकाली हूँ, अब तो उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, अब नेक्स्ट बुक उसे मिलेगा तो उसी में से मैं ये दोनों इमेजेस कट करके ली हूँ।
तो आप लोग भी ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि इतने इमरजेंसी में तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं कुछ कराती। तो ये मैं बुक में से निकाल ली हूँ, उधर बच्चा कर दी हूँ, उधर माँ कर दी हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा। और ये मैसेंजर केक भी बोलते हैं इसको, सब लोग बनाए हैं लेकिन मैं नहीं बनाई, क्योंकि ना मुझे ऑर्डर आया, ना मैंने सोची कि लाओ मैं भी बनाकर ट्राई करूं। लेकिन आज है ना, मुझे लगा ये परफेक्ट डे है जो मैं ये वाला केक बनाऊं। तो मैं सबको पहले बोलना चाहूँगी कि हैप्पी मदर्स डे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।